हेलो एवरी वन टोड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस देशन विच इज़ मैंशन अंडर सेक्शन टू डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेवनटी की वीडियो का सीरीज़ का वीडियो सीरीज़ का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम कंसिड्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो जो कॉन्सिड्रेशन का लिटरल मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न मतलब कुछ ना कुछ बदले में, में मिल रहा है जैसे दो आदमी है एक आदमी ए एक, एक आदमी बी ए ने अपनी कार बेचनी है बी को तो बी बदले में उसका कुछ ना कुछ तो देगा ना तो यहाँ पे बी का कंसिडरेशन क्या हुआ कि भाई बी को तो कार मिली ए का कंसिडरेशन क्या है बदले में ए को दो लाख रुपए मिले ठीक है ना तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है समथिंग इन रिटर्न कि बदले में कुछ ना कुछ मिला तो इसको लैटिन लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं क्विड प्रो क्यो ठीक है तो जो डेफिनेशन है मैंने अभी बताया आपको टू डी सेक्शन के अंदर मैंशनड है अभी देखो क्या ये क्या बोलती है डेफिनेशन अपने केस को कंसीडर करते हैं सेम केस ए और बी इसको कार दे रहा है ये इसको मनी दे रहा है अब देखो जो ये ए है ए क्या होता है हमारा प्रोमिजर और बी क्या होता है प्रोमिजी ठीक है ना तो देखो जो ये प्रोमिजर है सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वैन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिज़र मतलब जब इसकी डिजायर होगी ना तभी ये एक्ट करेगा तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक साइकिल कंप्लीट होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ठीक है ना तो मतलब सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एन ऑन द डिज़ायर ऑफ प्रोमिज़र उसकी डिज़ायर के ऊपर एक्ट करेगा कौन ये आदमी बी प्रोमिजी या फिर कोई थर्ड पर्सन अभी थर्ड पर्सन या फिर एनी अदर पर्सन कौन होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे डेफिनेशन देखते हैं एक बार वैन ऑन द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर ये ए ये है बी इसने डिज़ायर करी अपनी कार बेचने की ठीक है अभी इसको एक्ट करना है अभी एक्ट इसके एक्ट जो एक्ट करेगा इस एक्ट को हमने टाइम डिवीजन पे तीन भागों में बांट लिया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कि ये भाई ये पास्ट में काम किया हो इसने कोई अभी प्रेजेंट में कोई काम या फिर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट सा, हमने साइन करना हो तो हमने इसको तीन भागों में बांट दिया पास्ट प्रेजेंट एंड दैट फ्यूचर पास्ट में क्या है हैज़ डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग इन प्रेजेंट डज और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग इन फ्यूचर प्रोमिज टू डू और एब्सटेन फ्राम डूइंग सच एक्ट और एब्सटिन इज नॉन एज कॉन्डरेशन कॉन्सिड्रेशन अब जो एब्सट uh, एब्सटिनस क्या है और एक्ट uh, को परफॉर्म करना क्या है अभी हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं ठीक है तो पहला केस कंसिडर करो ये है प्रोमिजर ए ये प्रोमिजी बी इसने अपनी कार बेची जब इसको पहले थी, एक मैंने यहाँ पर ये वन नंबरिंग की हुई है वन टू देखो यहाँ पर मैंने नंबरिंग की हुई है थ्री फाइव टू वन फोर सिक्स तो नंबरिंग का मतलब क्या है ये आप इसको समझो एक बार अभी स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन क्या थी कि जो ये डिज़ायर किसकी होगी प्रोमिजर की प्रोमिजर की डिज़ायर के ऊपर कनेक्ट करेगा प्रोमिजी या फिर एनी अदर पर्सन ठीक है ना एनी अदर पर्सन हैव टू एक्ट ऑन द डिज़ायर ऑफ दैट तो उसकी डिजायर थी कि मेरे को अपनी कार बेचनी है और इसने बोला कि ठीक है मैं दो लाख रुपए तेरे को दे दूंगा तो जब ये इसको कार बेचेगा तभी तो उसको रुपए देगा ना तो पहला केस क्या है वन कार का प्रपोजल आया सेकंड क्या है इसने दो लाख रुपए इसको दिए तो जो कंसिड्रेशन है ए ए जो ये है इसकी कंसिड्रेशन क्या है इसको क्या मिल रहा है रिटर्न में दो लाख रुपए तो मिलने दिया दो लाख रुपए जो बी है बी जो प्रोमिस ये इसको क्या मिला कंसिडरेशन इसको मिली कार ठीक है ना तो ये हमारी कैसी है? एक है ये हमारी एक पॉजिटिव कॉन्सिड्रेशन है ठीक है कि बदले में कुछ ना कुछ दोनों को पॉजिटिव कुछ गेन हो रहा है ठीक है ना इसको एक कार का गेन हुआ इसको मॉनेटरी गेन हुआ ठीक है तो जो एग्ज़ाम्पल होंगे हमारे पॉजिटिव कंसिड्रेशन के जैसे राइट right, कोई आपको इंटरेस्ट मिला हो कोई बेनिफिट मिला हो कोई प्रॉफिट मिला हो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव कंसिड्रेशन अब हम देखते हैं नेगेटिव कंसिड्रेशन नेगेटिव कंसिड्रेशन क्या होती है अब देखो नेगेटिव कंसिड्रेशन में एक आदमी है एक्स और एक है वाई ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वाई एक्स ने वाई से दस लाख रुपये उधारे लिए थे मतलब हमने लोन लिया मतलब ठीक है ना दस लाख रुपए का लोन मांगा उसने सेकंड केस में इसने सेकंड का मतलब क्या इसने इसको दस लाख रुपए दे दिए अब कुछ टाइम के बाद ही डिनाइड टू रीपे कि भाई मैं तेरे रुपए नहीं देता एक्स वाई को बोलता है मैं तेरे रुपए नहीं देता तो पहला केस क्या हुआ मतलब फर्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ इसने लोन मांगा इसने लोन दे दिया फिर थोड़े दिन टाइम के बाद इसने मना कर दिया कि मैं तेरे रुपये नहीं देता फोर्थ अटैम्प्ट फोर्थ इंसिडेंट अच्छा तो मेरे रुपये नहीं देगा ठीक है तो मिलते हैं कोर्ट में आई विल शू यू इन आई विल शू यू टू रिकवर माई मनी कोर्ट में मिलते हैं भाई ये इसने धमकी दे दी भाई तेरे खिलाफ़ मैं केस दायर करूँगा जैसे ही इसने बात सुनी ये डर गया एक्स एक्स बोलता है एक्स इज़ टू वाई इफ यू डो नॉट शू मी फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ आई विल गिव यू वन लैख रुपीज़ एक्स्ट्रा इन एडिशन टू दी टेन लैक जो यदि आप मेरे को छः महीने तक फाइल केस नहीं कर मतलब केस फाइल नहीं करते हो छः महीने के अंदर तक टाइम मांग लिया इसने तो मैं आपको एक लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा तो भाई सोचता है ठीक है भाई वाई एग्रीड हो गया उसने अलाउ कर दिया छः महीने का एक्सटेंशन तो इसमें देखो इसमें नेगेटिव कंसिड्रेशन क्यों क्यों है इसने क्योंकि इसने इसको मना रोक दिया ठीक है ना कैसे रोक दिया फाइल केस फाइल करने से कैसे रोक दिया इसने लालच देखी मतलब कुछ कंसिड्रेशन दे दिया इसको दे दिया ना एक नेगेटिव कॉन्सिड्रेशन दिया ना कि आप ये मत करो मतलब इसनेब इसने इसको एबस्टेन किया है कुछ काम करने से इसलिए इसको बोलते हम नेगेटिव ठीक है ना अदरवाइज इसको नहीं बोलता तो ये केस फाइल कर देता और दस लाख रुपए ले गए चल चला जाता लेकिन अब इसने तब दोनों के दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ ना दोनों क्या फ़ायदा हुआ इसको तो मिल गया छः महीने का टाइम और इसको मिल गया वाई को क्या मिल गया एक लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक है ना तो दिस इज ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव क्यों है क्योंकि एक्स ने एबस्टेन कर दिया ठीक है ना वाई को कि भाई वाई छह महीने के लिए मत कर क्या मत कर केस फाइल मत कर मैं तेरे को दस लाख रुपए में एक लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा छह महीने का टाइम और दे दे मेरे को तो ये नेगेटिव है इसने रोक दिया तो जो हम ऊपर इसकी जो डेफिनेशन में डिस्कस कर डिस्कस कर रहे थे पॉइंट द पॉइंट वाज एब्सटेन्स तो वह वही पॉइंट था एब्सटेन फ्राम डूइंग ठीक है ना तो ये वही पॉइंट थे उस, उसको रोकने के लिए ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सिड्रेशन कॉन्सिड्रेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ सकते हैं टाइप्स के जो पहला है सात आठ हैं ये वन बाई वन स्टडी करते हैं पहला क्या है कॉन्सिड्रेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर जैसे ये है ये बोलेगा तभी तो ये बी एक्ट करेगा इसने अपनी कार बेचनी है तभी तो इसको दो लाख रुपये दे देगा दे दे ये ठीक है ना ये तो हमारा नॉर्मल हो गया फर्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्जाम्पल एक, एक बर्गर शॉप का अब देखो जो जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एग्जाम्पल था इसके अंदर दोनों को बेनिफिट मिल रहा था ना ए को मिले रुपये दो को बी को मिली कार लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्रो प्रोमिजर होता है इसकी कंसिड्रेशन जीरो है इसको कुछ नहीं मिला रिटर्न में लेकिन फिर भी इसकी डिज़ायर के ऊपर काम किया गया है दूसरे बंदे ने एग्ज़ाम्पल देखो एक आदमी ए एक शॉप पर खड़ा है बर्गर शॉप पर खड़ा है ठीक है तो इसने एक बर्गर ले लिया इसको बोलते हैं बर्गर दे दे इसने इसको बर्गर दे दिया ठीक है ये बर्गर खा रहा है तभी वहाँ पे एक बैगर आता है एंड ही आस्ट फॉर ए कि भाई मेरे को बर्गर खिला दे तो इसने इशारा किया शॉप वाले को कि भाई इसको भी दे दे ठीक है तो जब बर्गर इसने इसको दे दिया बर्गर इसने खाया बैगर ने एंड ही मूव उसके बाद जब ये अपना बिल पेमेंट किया तो बोलता है कितने रुपए हो गए तो बोलता चालीस तो बोलता चालीस नहीं मैं तो बीस दूंगा बोलता क्यों भाई तो बोलता क्यों जो तूने तो तु, जो बैगर को जो बर्गर दिया है वो मैंने तेरी कंसेंट के कारण तो दिया है तू नहीं तो तेरी तो डिज़ायर थी वो कि भाई उसको बर्गर खिला दे तो मैं तेज़े चालीस रुपये लूँगा सुन ही बात तो इसको ए को कितने रुपए देने पड़ेंगे चालीस रुपए क्या एक बर्गर इसने खाया नहीं इसके इसके पास कोई कंसिडरेशन थी नहीं कंसिडरेशन थी इसके पास कोई भी ठीक है तो कई बार क्योंकि इसकी जो डिजायर थी क्योंकि इसने परमिशन दी थी ना ए ने परमिशन दी थी ना इसको ए हैज गिवन द परमिशन तो जो ए था ये नहीं तो इस आ, बी जो ओनर था जो शॉप ओनर है इसी को तो बोला था ना कि भाई बैगर को दे दे मैंने तो तेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट किया है तो ठीक है ना तो कई बार प्रोमिज़र की कंसिड्रेशन फुलफ़िल ना हो फिर भी कॉन्सिड्रेशन या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड माना जाता है ठीक है ना कॉन्सिड्रेशन का मतलब हमेशा ही एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कुछ भी यहाँ पे ठीक है ना जैसे मैंने कभी यहाँ पे यहाँ पे मस्ट वर्ड मस्ट तो यूज़ किया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट सल्यूट नहीं है कि कंसिड्रेशन हमेशा प्रोमिजर के ऊपर ही कि उसके डिज़ायर के ऊपर ही रन होगी मू होगी नो no, प्रोमिजी के ऊपर भी हो सकती है अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी चीज़ का है नेक्स्ट पॉइंट कंसिड्रेशन मे मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन अब जो हमारी जो डेफिनेशन थी उसके अंदर भी लिखा हुआ था ना एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर टू प्रामिस यू अब्लिक एनी अदर पर्सन तो ये एनी अदर पर्सन कौन है अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एनी अदर पर्सन है कौन अब इसको समझने के लिए हम एक केसलो पढ़ते हैं चन्ैया वर्सिस रमैया होता क्या है रमैया ये जो डॉटर है ये इसका नाम है रमैया इसकी मदर है मतलब रमैया की मदर सी वॉज बैड रिडन सी वॉज जस्ट अबाउट एक्सपायर तो इसकी जो मदर जो ये बेटी है तो ये बेटी बोलती कि माँ आप एक्सपायर होने वाले हो आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम है ठीक है कौन बोलती रमैया अपनी माँ को बोलती है कि माँ आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो इसकी मदर बोलती है प्रॉपर्टी तेरे नाम तब उतारूँगी सारी जब तू मेरी बहन मतलब अपनी आंटी को मतलब मदर सीस अपनी मौसी को कुछ एन्यूटी देगी मतलब हर साल तेरे को इतना अमाउंट देना पड़ेगा तो ये बोलती है हाँ माँ ठीक है मैं दे दूंगी तो उसने कुछ साल तक तो दिया लेकिन फिर इसके दिमाग में आया कि भाई मैं इस मौसी को क्यों दे रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और मेरी माँ के बीच में हुआ था और माँ मेरी एक्सपायर हो चुकी है तो मैं इसको क्यों दूँ ठीक है तो इसने मना कर दे देने से जैसे इसने मना कर दिया जो चन्नैया थी इसने फाइल इसके इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया तो इसलिए ये केस बोला जाता है चन्नैया वर्सेस रमैया ये चन्नैया जो उसकी मौसी थी उसने रमैया के ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया ठीक है तो जब यह कोर्ट के अंदर केस जाता है तो रमैया बोलती है कि भाई जज साहब मैया जिस सुनो तो पहला पॉइंट ये बोलती है सर देर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड चिनैया कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ मेरे और चिनैया के बीच में ठीक है क्यों नहीं हुआ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ही नहीं मेरे और इसके बीच में ठीक है अब सेकेंड पॉइंट ये बोलती है कि इज़ नॉट गिविंग मी एनी कंसिड्रेशन चेन्नईया से मेरे को कुछ नहीं मिल रहा ठीक है ना क्योंकि चन्नैया तो इसको चन्नैया को तो ये दे ही रही थी रिटर्न इसको कुछ मिल ही नहीं रहा तो ये था किसके पॉइंट रमैया के पॉइंट तो उस आ, उस केस में जो जो जज थी जो अपना जजेस थे उन्होंने ये ये जजमेंट दी चनिया बीइंग स्ट्रेंजर टू कॉन्स्टिट्यूशन ए बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन शू एंड रिकवर एन्यूटी मतलब क्या जो रमैया ने जो ये फर्स्ट पॉइंट बोला था उसका मतलब क्या था कि जो चन्नैया है ये स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है और सेकंड पॉइंट बोलती है कि ये स्ट्रेंजर टू दी कॉन्सिड्रेशन भी है ठीक है तो कोर्ट का जो बेसिक जो लॉजिक था वो ये था उन दोनों ने ये बोला कि जो बेनिफिट आपको मिला है प्रॉपर्टी की फॉर्म में उसके पीछे का कारण क्या था उसके पीछे का कारण था कि आपकी मदर ने आपको बोला था कि यू हैव टू पे एन्यूटी टू माई सिस्टर क्योंकि ये तो उसकी बहन होगी ना कि इस, इसने इसको बोला मदर ने डॉटर को बोला कि तेर की यू हैव टू पे एन्यूटी टू माई सिस्टर ऑन एनअल बेसिस तभी मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम उतारूँगी लॉजिक समझे कि यदि तू इसको पे करेगी तभी ये प्रॉपर्टी तेरे नाम उतरेगी तो बोलती है अच्छा ऐसा के सही है ये। फिर इसने माना कि हाँ भाई प्रॉपर्टी इसको मिली हुई है बेस्ड ऑन दैट सी इज लाइबल टू पे दिन्यूटी तो इसमें जो ये थर्ड पर्सन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेशक ना हो ये इस मदर के बिहाफ पे इज़ द वन हु कैन क्लेम ठीक है क्योंकि कॉन्सिड्रेशन होगी ना कॉन्सिड्रेशन क्या हुई इसकी प्रॉपर्टी जो तेरे को प्रॉपर्टी कंसिड्रेशन में मिली है वो मेरी बहन ने दिलाई है तेरे को उस जो तो एन्यूटी दे रही है वो इसके बदले में दे रही है कोई मेरे पर दया नहीं कर रही तुम समझी ही बात जो इसको डॉटर को ये बोलती है कि जो प्रो, जो ये एन्यूटी दे रही है ना ये ऐसी तो नहीं दे रही ये इसके पीछे कंसिडरेशन तेरा ये है यू आर दी वन हु इज गेटिंग द प्रॉपर्टी ठीक है तो ये इसका लॉजिक था किसका कोर्ट का नॉट ईस्ट का कोर्ट का लॉजिक था ये ठीक है तो इसने बोल दिया कि जो ये आंटी है जो तो तेरी जो तेरी मौसी है रमैया को बोलती जो तेरी मौसी है ये बेनिफिशरी इस कॉन्ट्रैक्ट की एंड स्ट्रेंजर टू द कंसीडरेशन है ये ठीक है स्ट्रेंजर टू द कॉन्सिड्रेशन क्यों है नॉट कंसीडरेशन इट्स कंसिड्रेशन तो जो ये प्रॉपर्टी है वही पॉइंट है प्रॉपर्टी मिली है तो यू हैव टू पे ठीक है जब दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो मतलब क्या हो गया यू हैव टू पे द अमाउंट ठीक है तो इसमें जो दो पॉइंट हैं हमारे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट श्यू बट स्ट्रेंजर टू कॉन्सिड्रेशन कैन शो द फाइल इफ़ ही और सी इज़ द बेनिफिशरी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या ये बेनिफिशरी कॉन्ट्रैक्ट की हाँ थी तो ये कॉन्सिड्रेशन के केस में अपना हक मांग सकती है तो कोर्ट में कौन जीता चन्नैया जीत गई रमैया हैज़ टू पे द अमाउंट ठीक है ये था हमारा थर्ड पॉइंट अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कॉन्सट्रेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अभी हमने डिस्कस कर लिया था पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हो सकता है पास्ट में क्या जैसे कि किसी बंदे को ए को बी का कोई नेकललेस गुम हो गया होगा तो ये इसने ढूँढ के इसको दे दिया तो ये खुश होकर बोलता है कि ठीक है आपने मेरा इतना महंगा हार ढूंढा है मैं आपको एक लाख रुपए कैसे नाम दूंगा क्योंकि तो इसने बोल दिया क्योंकि तो ये एक्ट तो पास्ट में हो चुका था ना इसने जो उसका नेकलेस ढूंढा है वो तो पास्ट में ही हीज एग्जीक्यूटेड ठीक है तो ये इस, इसके बोलने से पहले एग्जीक्यूट कर दिया था तो ये था हमारा पास्ट कॉन्सिड्रेशन का प्रेजेंट वाला कि भाई तू इसको कैश दे ये तेरे को बुक दे देगा ये जो अभी तक तो हम कार वाला डिस्कस कर रहे थे सेम वही चल जाएगा फ्यूचर कंसिड्रेशन जो क्रेडिट सेल वाला था कि एक्स ने वाई से लोन लिया लेकिन लोन नहीं दे पाया तो उसने छः महीने की मोहलत मांग ली कि भाई छः महीने के बाद मैं तेरे को एक लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्सिड्रेशन हो गया ठीक है नेक्स्ट इज़ फोर्थ कॉन्सिड्रेशन में बी इन एडुकुएट इट नीड नॉट टू बी एडुक्यूट जैसे कि एक ए है एक बी है ए पाँच हज़ार रुपये की जीन्स लेके आता है लेकिन बी उसका बहुत ज़बरदस्त डिग्री आ रहा है और वो बोलता है कि यार तूने ये जीन्स कहाँ से ली और कितने की ली ये जीन्स तो मेरे को पसंद आ गई है अब तू ये जींस मेरे को दे दे तो ये बोलता है भाई तेरे पास कितने रुपए हैं बोलता भाई मेरे पास तो सिर्फ पाँच सौ रुपये ही है तो ये ये कहता है चल यार दोस्त के लिए इतना ही ठीक है चलो तुम पाँच सौ रुपये तो दे तो ये इसको पाँच सौ देता है ये इसको जीन्स दे देता है तो जो ये जीन्स है पाँच सौ रुपयेगी पाँच हज़ार की कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला इसको बेशक इनएडक्यट हो फिर भी एक वैलिड कॉन्सिड्रेशन मानी जाएगी इसमें पॉइंट एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो ये ए है इसकी जो कॉन्सि इसकी जो कंसेंट है दैट शुड बी फ्री कंसेंट ठीक है मतलब जो इनएडकुट कॉन्सिड्रेशन है उसके अंदर फ्री कंसेंट होना जरूरी है किसकी इसकी प्रोमिजर की ठीक है नेक्स्ट कॉन्सिड्रेशन मस्ट बी रियल इट शुड नॉट इट शुडंट बी इल्यूजनरी भ्रमित वाली नहीं होनी चाहिए इट शुड बी रियल एनफ यदि भ्रमित वाली है सारी क्या हो जाएंगी वे इनवैलिड मतलब वोइड पहला फिजिकली इम्पॉसिबल यदि आप ये बोल दो तो किसी को भाई तुम चांद को धरती पे ले आओ मैं आपको दस तो करोड़ रुपये दूँगा सो इट्स नॉट एवेलिड नेक्स्ट एल्यूशनरी कंसिड्रेशन आप किसी आप किसी को कह दो कि भाई एक मरे वे आदमी को जिंदा कर दो मैं आपको दस करोड़ रुपये दे दूँगा क्या ये पॉसिबल है ये भ्रमित वाली सेंटेंस है ये पॉसिबल ही नहीं है ये फिजिकली इम्पॉसिबल था ये एक भ्रम वाली बात थी अनसर्टेन कंडीशन कंसिड्रेशन जैसे एक आदमी ए एक आदमी बी ए इसको बोलता है कि भाई इसका जो घर घर है इसका यह हाउस है इसको लेने गया तब तो भी उसको बोलता कि कितने बेचेगा बोलता कि पचास साठ लाख पचास पचास साठ लाख रुपए लगेंगे तो उसने कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं बताया ना पचास साठ लाख का मतलब क्या है उसमें तो बहुत सारे वैल्यूज़ आगी इनफाइनेट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं पचास लाख से साठ लाख तक तो ये भी एक अनसर्टेन कंसिड्रेशन है तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इसको बोलते हैं वोइड एग्रीमेंट राइट अगला लीगली इम्पॉसिबल जैसे अब कोई प्लास्टिक बैग का हम ट्रेड करते हैं तो प्लास्टिक बैग विच इज़ बैंड बाय द लॉ राइट so it's a legally impossible to make the agreement so this will be a void agreement again right next is no consideration in the case when promisor is already bound to do the same work example एक locality है उसमें चैंस नेचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं वहाँ का जो एसएचओ है ये उसकी ड्यूटी बनती है वो सारे इन कामों के ऊपर देखे रोक लगाएँ ठीक है लेकिन जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए उस एरिया के लोग इकट्ठे हो गए इसके पास जाते हैं तो ये बोलता है कि भाई पचास हजार रुपये ले आओ सारे मतलब पूरी लोकेलिटी इकट्ठी करके ले आओ हम यहाँ पे लोग रोक लगा देंगे तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कैसा हुआ दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड एग्रीमेंट क्यों क्योंकि दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस पर्सन टू सेव दैट एरिया ठीक है एंड ही इज बाउंड टू डू द सेम वर्क सो ऐसे जो पुलिस ऑफिसर जो मेनली जो ऐसी जो कानून व्यवस्था वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएंगी नो कंसिडरेशन इन द केस वैन द प्रोमिजर इज ऑलरेडी बाउंड ही इज बाउंड टू डू द वर्क क्योंकि इसको जो जो इस चेंज स्नेचिंग घटनाओं को रोकने की ही तो रुपये ले रहा है सैलरी ले रहा है सरकार से सुनाई तो बात नेक्स्ट पॉइंट आठ फोर टू शू अब ये फोर बीअर एनस टू शू क्या होता है अब देखें एक डेटर था मतलब जिसने कर्ज लिया था एक था क्रेडिटर जिसने इसको लोन दिया था अब अब हमारे एग्जाम्पल में क्या था इसने इसको दस लाख रुपए दिए थे ना अब ये इसको बोलता है बोल सकता है कि भाई दस लाख रुपए नहीं दिए टाइम पे तो मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूँगा ठीक है अब इसी का एग्ज़ाम्पल इसका दूसरा पार्ट देखते हैं नॉन एग्जिस्टिंग क्लेम अब इसमें समझना है आपका ये एग्जिस्टिंग क्लेम क्या वर्ड था यहाँ पे सॉरी एक बार इसको एग्जिस्टिंग क्लेम बताना भूल गया मैं यहाँ पे इसने इसके दस लाख रुपए लिए थे ना इसको साफ कर देता हूँ एक बार इसने इससे दस लाख रुपए लिए थे ना तो ये दस लाख रुपए नहीं देगा तो ये इसको कोर्ट में इसको घसीट सकता है चल भाई कोर्ट में आ जाओ क्यों क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लेम है क्योंकि पहले ही दे रखे हैं रुपये अब नॉन एग्जिस्टिंग क्लेम क्या होता है उसके अंदर दिस इज़ इल्यूज़नरी एंड मेलाफाइड मतलब झूठ है सब कुछ ये भ्रम है आज जुम्म करते हैं एक लोकेलिटी में दो आदमी रहते हैं एक ए एक बी बी है एक एडवोकेट तो ये सुबह सुबह घूम रहा है ए घूमता घूमता जाता है ये टकरा गया बी से मतलब बी के आसपास पहुंच गया तो बी बोलता है एक को ए मैं सोच रहा हूँ कि तेरे खिलाफ़ चार पाँच केस दायर कर दूँ ए घबरा गया बोलता है यार ये कि पागल आदमी है कुछ भी कर देगा तो इसने क्या किया ए बोलता है यदि तरह को बचना है आई विल नॉट शो यू इफ़ यू गिव मी दस हज़ार रुपये तो ये सोचता है कि यार इतनी भड़क से बड़ी है दस हज़ार रुपये क्यों ना दे दूँ इसको तो ये इसको दस हज़ार रुपये के लिए ठीक है बोल देता है मान जाता है कि मैं दस रुपये दे दूँगा कोई भी केस मत करना मेरे खिलाफ़ तो जब बीस के पास मांगने जाता है तो ये बोलता चल बे किस चीज़ के रुपये दूँ तो ये बोलता ओह अब तो तेरे को मैं पक्का घसीटूंगा क्योंकि हमारा तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था मैनेजर को बोला था कि मैं तेरे खिलाफ़ कोई भी केस नहीं करूँगा जब तू मुझे दस हज़ार रुपये दे देगा क्योंकि तूने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया अब तो तू पक्का कोर्ट में आ जाता हूँ तो फिर ये तो इसका जो निष्कर्ष ये है नॉन एग्जिस्टिंग क्लेम तो ये इसके जो केस करेगा जो पहले वाला केस करने के बोल रहा था ये इसके पास कोई क्लेम ही नहीं था ये चार पाँच केस किस बेसिस पर ठोकेगा इसके खिलाफ कोई केस ही नहीं इसके खिलाफ ये जस्ट बातें मार रहा था राइट right? तो इसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग क्लेम तो जो केस जो है केस को फाइल करने के दो टाइप के केस हो सकते हैं एक रियल एक इल्यूजनरी दिस इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लेम एंड दिस इज बेस्ड ऑन द नॉन एग्जिस्टिंग क्लेम राइट अब इफ ए पार्टी एब्सटेन फ्रॉम फिलिंग सच केस तो उस केस में क्या होगा फाइलिंग सच केस यहाँ पे ट्रेड इज एज फोर बियर टू श्यू इसको बोलते हैं वैलिड कॉन्सिड्रेशन इसमें नॉट नॉट ट्रीटेड फॉर बियरेंस इसमें वो ट्रीट नहीं किए जाएंगे बियरेंस के लिए ठीक है ना क्यों नहीं किए जाएंगे क्योंकि कोई क्लेम तो है ही नहीं जस्ट हवा में बातें मार रहा था उसको डरा रहा था ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय